लाशों के कॉम्बिंग कर रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। बताया ऐसा जा रहा है कि दरअसल कुछ बदमाश थे जो कि एक लूट की वारदात को अंजाम देकर के वहां से भाग रहे थे। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार थी जिसे लूट करके वहां से भाग रहे थे। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ ताजा हालात है, चलेंगे अपने संवाददाता जितेंद्र त्रिपाठी की तरफ जो कि फोन लाइन के जरिए हमारे साथ गाजियाबाद से साहिबाबाद से जुड़ रहे हैं उसी जगह से। जितेंद्र, क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल सवाल, आपको बता दें गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है और एक पुलिस कर्मी भी लगी है। आपको बता दें कि बदमाश जिसकी संख्या दो बताई जा रही है, वो ऑल्टो कार को लूट कर मौके से फरार होने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पुलिस ने जब कार्निंग करी तो इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया और जब जिस वक्त इनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने कई राउंड फायर कर डाले पुलिस के ऊपर। तभी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश करी और जब जवाबी फायरिंग की गई तो एक बदमाश को गोली लगी है। वहीं एक पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से क्या अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या कोई बदमाश पुलिस के हाथ से चढ़ा? बिल्कुल जवाब, आपको बता दें कि एक बदमाश पुलिस के हाथ से चला है। वहीं जो दूसरा बदमाश है उसको भी पुलिस ने अभी अभी बिल्कुल अभी हिरासत में लिया है। एक बदमाश जिससे गोली लगी है उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ हो गई थी और उसके बाद एक बदमाश को गोली लगी थी, एक बदमाश मौके से फरार होने के प्रयास में वहां से फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने कमिंग करी। जितेंद्र भाटी हमारे साथ, आप बने रहिए। दरअसल मैं दर्शकों को एक बार अपडेट कर दूं, इस बीच में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने वहां से जहां पर मुठभेड़ हुई उस जगह से ये तस्वीरें भेजी है। देखिए आप किस तरीके से पिस्तौल पड़ी हुई है। यहां पर बदमाशों ने पिस्तौल छोड़ करके फरार होने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश के तौर पर उस वक्त ये भाग रहे थे और ये खोखे आपको दिख रहे हैं इस वक्त। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस को यह खबर लगी कि कुछ बदमाश एक ऑल्टो कार को लूट करके वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और लूटने के फिराक में तभी पुलिस ने जाल बिछाया और वहां पहुंच करके एनकाउंटर हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर चला। आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर ये कारतूस, ये खोखे जो कि दिख रहे हैं और ये दरअसल यही वो ऑल्टो कार है, सफेद रंग की ये ऑल्टो कार है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2560 नंबर की ऑल्टो कार जो कि आपको दिख रही है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त मौके पर मौजूद है जहां से फोन लाइन के जरिए हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी कितने और ऐसे बदमाश हैं जिनको तलाश रही है पुलिस, जिनकी तलाश पुलिस को है? जवाब बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बदमाश है बेहद चाटे किस्म के हैं जो कि दिल्ली के टॉप मोस्ट बदमाश है, दिल्ली के नंदगिरी इलाके के बदमाश हैं और यहाँ पर ये लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने ऑल्टो कार लूटी है। हालांकि एक बदमाश जो फरार होने के प्रयास कर रहा था पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल अभी अभी गिरफ्तार किया गया, हम इस समय मौके पर मौजूद है और एक जो बदमाश है उसको गोली लगी है, उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी है, पुलिस स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, पुलिस के आला अधिकारियों से इस एनकाउंटर के बाबत आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं ऑफिशियल तौर पर? बिल्कुल, आपको बता दें जब हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई थी जिसमें एसपी के आकाश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए निरंतर गाजियाबाद पुलिस प्रयास कर रही है और इसी के चलते जो जो बदमाश है उन्हें चिन्हित कर लिया गया था। पुलिस तो तलाश करी रही थी और आज जो ये लूट की वारदात हुई है उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी और इसी का अलर्ट का ये नतीजा है कि एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है और एक जो बदमाश है उसे सही सलामत पकड़ लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है, उसे साहिबाबाद थाने लाया गया है। ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, दिल्ली के बदमाश है ये टॉप मोस्ट। जाहिर तौर पर दिल्ली के टॉप मोस्ट बदमाशों में से एक बदमाश ये जिसकी तलाश पुलिस को थी और आज मुठभेड़ में ये चीजें सामने आई है। जितेंद्र, एक पुलिस कर्मी को भी बताया जा रहा है कि गोली लगी है, घायल है, कैसी स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है लेकिन जो गोली लगी है वो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस कर्मी के गोली लगी है और उसे भी महानगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर बदमाश एडमिट है। बदमाश की भी हालत स्थिर बनी हुई है और जो पुलिस कर्मी है उसको भी खतरे से बाहर है, लेकिन उससे जो गोली लगी थी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जो बदमाशों के द्वारा चलाई हुई गोली से पुलिस कर्मी जख्मी हुआ था कि गंभीर जख्मी हालत को उसे समझना चाहेंगे वो खतरे से बाहर है। ये गाजियाबाद के साहिबाबाद का इलाका है, एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है जहां पर ये गाड़ी चोरी करने की कोशिश की गई, लूट करने की कोशिश की गई और जहां पर ये मुठभेड़ हुई? बिल्कुल, आपको बता दें गाजियाबाद का साहिबाबाद इलाका है जहां पर ये लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश निकले थे और इस जगह पर
जवाब देने के बाद मेहमान जितेंद्र राठी आप निगाह बना करके रखे, अपना ख्याल भी रखे। उस वक्त वहाँ पे चूंकि मुठभेड़ चल रही है, पुलिस का कॉम्बिंग चल रहा है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी इन तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी, दरअसल उसी स्पॉट से जहां पर ये पूरी मुठभेड़ अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन के तौर